ठीक है, SHM का 9th लेक्चर बच्चों वो स्टार्ट कर देते हैं अपन। और इससे पहले स्प्रिंग द्रव्यमान निकाय, स्प्रिंग मास सिस्टम वो पढ़ रहे थे अपन। और स्प्रिंग द्रव्यमान निकाय क्या होता था, स्प्रिंग मास सिस्टम में उसका आवर्तकाल, उसका टाइम पीरियड आया था 2π√m/k। ठीक है, m वो द्रव्यमान है, m वो मास है जो दोलन गति कर रहा है, जो ऑसिलेशन कर रहा है। उसके सवाल भी कुछ देखे थे और भी देख लेंगे यहाँ पे। और स्प्रिंग का जो स्प्रिंग नियतांक होता था, फोर्स कांस्टेंट, वो k कहते थे उसे अपन। और जो k है ना, वो k बताता है कठोरता या हार्डनेस ऑफ स्प्रिंग। k जितना ज़्यादा होगा उतनी ही स्प्रिंग हार्ड होगी, उतनी ही स्प्रिंग कठोर हो जाएगी, पता होना चाहिए। और k और स्प्रिंग की लंबाई वो व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। स्प्रिंग की लंबाई जितनी कम हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, के हार्डनेस कांस्टेंट उतना ही क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। चलो ये सब बताया था। इसके बाद आप क्या करो, एक हेडिंग में लिखो कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग या स्प्रिंग के संयोजक, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। तो कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग या स्प्रिंग के संयोजक, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग या स्प्रिंग के संयोजक, ये सब क्यों पढ़ रहे हैं वो भी समझ में आना चाहिए। हमारे पास आवर्तकाल टाइम पीरियड आया था 2π√m/k, तो आप k को कैसे कैसे बदलोगे, वो तीन चार तरीके हैं k को बदलने के। तो k को बदलने का पहला तरीका है, आप स्प्रिंग को काट सकते थे। स्प्रिंग को काटोगे ना, तो हमने पिछली क्लास में बताया है k और l क्या हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल व्युत्क्रमानुपाती। k निकाल के ठीक से रख देना, आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका हो सकता है आप बहुत सारी स्प्रिंग को जोड़ दें और अच्छी तरीके से जोड़ें, हो सकता है उन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ें, सीरीज में जोड़ें, हो सकता है उन्हें समांतर क्रम में जोड़ें, पैरेलल में जोड़ें। ऐसा भी हो सकता है कि ना तो सीरीज हो ना तो पैरेलल हो, जैसा करंट इलेक्ट्रिसिटी में होता था। वो भी एक दो सवाल कर लेंगे अपन, लेकिन आसान से मुश्किल की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसमें आप लिख लीजिए श्रेणी क्रम या सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले आप इसमें लिख लीजिए सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन या श्रेणी क्रम, सीरीज कॉम्बिनेशन या श्रेणी क्रम। और इसका निकाय बना लीजिए, इसके सिस्टम बना लीजिए आप। मान लीजिए आपको ऐसे कोई स्प्रिंग मास सिस्टम, स्प्रिंग द्रव्यमान निकाय दिखा, और ये एक से ज़्यादा स्प्रिंग है, K1 K2 ये स्प्रिंग है, और तो ये दोनों स्प्रिंग आपको सीरीज में दिख रही होंगी, श्रेणी में दिख रही होंगी। इस निकाय को तुम ऊर्ध्वाधर भी बना सकते हो, वर्टिकल भी बना सकते हो। तो ऊर्ध्वाधर या वर्टिकल भी इसको बनाया जा सकता है। तो ऊर्ध्वाधर या वर्टिकल जब इसको बनाओगे तो ये ऐसा बन जाएगा। तो ये जो निकाय है, ये जो सिस्टम है, हम चाहते हैं कि ये K1 K2 हट जाए और दो स्प्रिंग की जगह पे यहाँ पे एक ही स्प्रिंग आ जाए। तो उस एक स्प्रिंग का स्प्रिंग नियतांक, उस एक स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा, ये अपने को बताना है। चलिए कुछ कॉमन सेंस बता दीजिए फिर यहाँ पे। वैसे एक पॉइंट भी आपको याद करना पड़ेगा, तो ये बताइए, अगर हम इस द्रव्यमान को x खींचते, ये द्रव्यमान कितना खींच जाता, ये मास कितना आगे चला जाता, x आगे चला जाता, इसको हम x आगे खींचते ना, तो ये स्प्रिंग भी थोड़ी बहुत खींचती। मान लीजिए ये स्प्रिंग खींचती x1 और ये स्प्रिंग कितनी खींचती x2, कुल मिला के ये मास कितना आगे गया होता, x1 + x2 आगे गया होता, उसी को हमने क्या लिख रखा है, x लिख रखा है। तो हो ना हो ये x ही किसके बराबर होगा, x1 + x2 के बराबर। बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट है, आपने इसको खींचा है तो दोनों स्प्रिंग खींचेंगी, दोनों सेम भी खींच सकती थी अगर k और k सेम होता। एक्चुअली सोचिए आप कि दोनों स्प्रिंगों की कठोरता समान होती, हार्डनेस समान होती, तो दोनों समान खींचती। लेकिन एक ज़्यादा टाइट है, एक ज़्यादा कठोर है, एक ज़्यादा हार्ड है, एक कम हार्ड है, तो जो कम हार्ड होगी वो ज़्यादा खींच जाएगी। ऐसा होना चाहिए, वो आसानी से खींच सकती है, आसानी से दब सकती है। वो स्प्रिंग जिसका के कम होगा, वो कोमल स्प्रिंग होगी, सॉफ्ट स्प्रिंग होगी, उतना ही फोर्स लगाने पे, उतना ही बल लगाने पे वो ज़्यादा खींच जाएगी।
तो अभी अपने को पता नहीं है कौन ज्यादा खींची कौन कम खींची। हमने तो मान लिया कि ये आगे गया x1, ये आगे गया x2, तो ये कितना आगे चला गया, x आगे चला गया, और x किसके बराबर हो गया, x1 plus x2 के बराबर। अब तुम्हें एक कंडीशन इसकी याद करनी पड़ेगी कि सीरीज में या ये जो श्रेणी क्रम है इसमें आप जैसे फॉर्मूला लिख दो, यहाँ पे अपन साइड में इसके एक फॉर्मूला लिख देते हैं। बताओ स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला कितना था, F बराबर के एक्स के बराबर था। तो x की वैल्यू को आप लिख क्या सकते थे, F बाय के लिख सकते थे। तो x1 को आपको लिखना पड़ेगा F बाय के1, इसको लिख देना F बाय के2, और ये आ जाएगा F बाय के टोटल। यहां से एक कंडीशन, यहां से एक आपको कंडीशन भी पता करनी है, याद करनी है। आपसे कोई पूछे श्रेणी क्रम या सीरीज में स्प्रिंग कब है, या तो आपको स्प्रिंग दिखेगी एक ही लाइन में, एक ही लाइन में, ये एक स्ट्रेट लाइन है उसी लाइन में स्प्रिंग है, एक स्ट्रेट लाइन है उसी लाइन में स्प्रिंग है। याद रखना इन स्प्रिंगों के बीच में कुछ नहीं होना चाहिए, है ना, याद करना है। श्रेणी क्रम या सीरीज का मतलब क्या होगा, एक ही सरल रेखा में, एक ही स्ट्रेट लाइन में स्प्रिंग होनी चाहिए, उनके बीच में कुछ नहीं होना चाहिए, वो लगातार होनी चाहिए। कहने का मतलब क्या है, कल को मान लीजिए आपको ये स्प्रिंग दिखी, ये स्प्रिंग दिखी, ये द्रव्यमान दिखा और ये स्प्रिंग दिखी, तो अब आप बोलेंगे ये तो एक ही लाइन पे है, ये दोनों स्प्रिंग तो एक ही लाइन में है, तो ये तो सीरीज में हो गई, श्रेणी क्रम में हो गई। लेकिन ये बीच में कोई आ गया ना, तो अब ये इसके साथ सीरीज में नहीं है भैया। अब ये किस में होगी वो आगे देखेंगे अपन, लेकिन सीरीज में केवल यही दोनों हैं। श्रेणी क्रम या सीरीज में स्प्रिंग वही होगी जो एक ही लाइन में है, और एक ही लाइन में उनके बीच में कोई द्रव्यमान कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए। यहाँ पे एक स्प्रिंग, इसी के आगे दूसरी स्प्रिंग, इसी के आगे तीसरी स्प्रिंग, तो बोलना ये तीनों किस में आ जाएंगी, सीरीज में या श्रेणी क्रम में आ जाएंगी, याद रखना है। और कोई बोले फिजिक्स के हिसाब से श्रेणी क्रम या सीरीज का मतलब क्या होता है, बोलना अगर सब में लगने वाला बल सेम है तो उसको हम आज से क्या बोलने वाले हैं, सीरीज बोलने वाले। तो कोई आपसे फिजिक्स का क्वेश्चन पूछता है सीरीज या श्रेणी क्रम में कब होंगी स्प्रिंग, जब सब पर लगने वाला बल, सब पर लगने वाला फोर्स वो सेम हो जाए, तब उसको क्या बोलना है, श्रेणी क्रम में। पहचानने के लिए जो बताया है ना, ये देखना अभी थोड़ा सा सीरीज पैरेलल समझेंगे तो ये और क्लियर होगा कि क्या बोला जा रहा है। बट अभी इसी में आपने ये जो डेरिवेशन लिख रहे थे ना अपन, इस डेरिवेशन में देखो मैंने सारे बल कि इस पर भी कितना बल लग रहा था, एफ ही लग रहा था फोर्स, क्योंकि मैंने सारे x की जगह क्या लिखा है, f बाय के, और सारे f क्या माने हुए हैं, सेम माने हुए हैं। तो यहां से सारे f क्या हो जाएंगे, कैंसल, और आपके पास एक रिलेशन आएगा, और वो रिलेशन है 1 बाय के टोटल बराबर 1 बाय के वन प्लस 1 बाय के टू, 1 बाय के वन प्लस 1 बाय के टू। सीरीज में ये कैपेसिटर जैसा है, संधारित्र जैसा ही है, और अगर दो ही स्प्रिंग होती, अगर दो ही स्प्रिंग हैं तो के टोटल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, के वन के टू अपॉन के वन प्लस के टू। दो ही स्प्रिंग है तो ये आ जाएगी के वन के टू अपॉन के वन प्लस के टू। तो अभी सीरीज में तुम्हें याद रखना है, सीरीज में अपने को श्रेणी क्रम में अपने को याद रखना है कि हर एक स्प्रिंग पे लगने वाला फोर्स क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसीलिए मैं क्या बोल रहा था शुरुआत में, हमने ध्यान दिया नहीं दिया पता नहीं, देखिए सब पे लगने वाला फोर्स सेम है ना, तो ऐसे फॉर्मूला है, जैसे मैं यहाँ पे अगर लिखूँ कि F बराबर के एक्स, ये फॉर्मूला है। बताओ सब पे लगने वाला फोर्स, सारी स्प्रिंग पे लगने वाला फोर्स सेम, तब उसको बोलना है श्रेणी क्रम सीरीज। बताओ फोर्स जब सेम लगेगा, समान लगेगा, तो K और X व्युत्क्रमानुपाति हो गया क्या, मतलब जो जितनी कठोर स्प्रिंग हो जाएगी X उसका उतना ही क्या हो जाएगा, कम, और होना भी यही चाहिए। अगर कठोर स्प्रिंग है तुमने फोर्स लगाया तो कठोर, और कोमल स्प्रिंग है उसमें भी फोर्स लगाया आपने तो कोमल वाले को, सॉफ्ट स्प्रिंग को उतना ही फोर्स लगाओगे, ज़्यादा खींच जाएगी वो, क्योंकि उसका K क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, उसका X क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। श्रेणी क्रम में यही होता है, आपने फोर्स F लगाया है ना, वो F फोर्स सारी स्प्रिंग पे लगा, लेकिन कौन सी स्प्रिंग ज़्यादा खींची, जिसका K क्या था, छोटा था, मतलब जो स्प्रिंग ज़्यादा सॉफ्ट थी वही ज़्यादा खींची हुई होगी, होना भी यही चाहिए था। तो ये इस तरीके से आपको समझ में आना चाहिए। तो आप एक कंडीशन जरूर लिख लेना, तो सीरीज या श्रेणी क्रम में एक तो ये फॉर्मूला तुम्हें याद ही करना है ना, और दूसरा याद रख लेना, एक पॉइंट लिख लो इसके आगे,
कि सभी स्प्रिंगों पे लगने वाला बल समान होने पर, सभी स्प्रिंगों पे लगने वाला बल समान होने पर यह श्रेणी क्रम में मानी जाएंगी। सभी स्प्रिंगों पर लगने वाला बल समान होने पर यह श्रेणी क्रम में मानी जाएंगी। If force acting on each spring is same, then they are in series. तो प्लीज याद रख लेना, श्रेणी क्रम या सीरीज में प्रत्येक स्प्रिंग पर, ईच स्प्रिंग पर फोर्स या बल क्या लगता है, सेम लगता है। फिर आपसे पूछ सकता है कौन ज्यादा खींचेगी कौन कम खींचेगी, उसके हिसाब से आंसर दे देना। और श्रेणी क्रम में या सीरीज में के का फॉर्मूला याद करना है, 1/K1, 1/K2, वो 1/K टोटल के बराबर आ जाएगा। चलो ये तो सीरीज है, और सीरीज या श्रेणी का पता कैसे लगाओगे, एक ही सरल रेखा में, एक ही स्ट्रेट लाइन में स्प्रिंग होनी चाहिए सारी, उनके बीच में कुछ नहीं होना चाहिए, एक स्प्रिंग, दूसरी स्प्रिंग, तीसरी स्प्रिंग, चौथी स्प्रिंग। अगर एक स्प्रिंग है उसके बीच में द्रव्यमान है और फिर दूसरी स्प्रिंग है, तो वो समांतर क्रम में हो जाएगी, श्रेणी क्रम में नहीं होगी। वो देख लेते हैं अपन। आप एक और हेडिंग लिखो, आप हेडिंग में लिखो पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन या समांतर क्रम आप बोल सकते हो। ये चित्र बना लेते हैं अपन, उससे अपने को थोड़ा क्लियर हो जाएगा क्या कहा जा रहा है। इस तरीके से आपको मान लीजिए दो स्प्रिंग दिख जाती, K1 और K2 दो स्प्रिंग है, द्रव्यमान m है, या फिर ये ऊर्ध्वाधर निकाय होता, ये दो स्प्रिंगें भी आपको समांतर क्रम में माननी है, या फिर निकाय इस तरीके का हो जाए। तो ये जो निकाय, ये जो तीनों सिस्टम है, ये तीनों एक जैसे सिस्टम है, इन तीनों सिस्टम, इन तीनों निकाय में कोई अंतर नहीं है, इन तीनों सिस्टम में, इन तीनों निकाय में कोई अंतर नहीं है, इन तीनों सिस्टम, इन तीनों निकाय में दोनों स्प्रिंग समांतर क्रम में या पैरेलल में आपको माननी पड़ेगी। कोशिश करते हैं इनमें जानने की क्या चीज सेम होने वाली है। बताइए, जब आप इस द्रव्यमान को खींचोगे x आगे, तो ये स्प्रिंग भी आगे x खींचेगी और ये स्प्रिंग भी आगे x ही खींचेगी, खींचना ही पड़ेगा, वो जितनी आगे जाएगी सेम ही आगे जाएगी। यहां पर भी इस द्रव्यमान को तुम x नीचे खींचते हो, तो ये स्प्रिंग भी x नीचे जाएगी, ये स्प्रिंग भी x नीचे जाएगी। और यहां पर भी देख लो, अगर इसको तुम x आगे खींचते हो, तो ये x प्रसार होएगा, ये x एक्सटेंशन होएगा, और इसमें x क्या हो जाएगा, संकुचन या कंप्रेशन। लेकिन x तो सेम है ना, तो याद रखना है, अगर स्प्रिंगों में प्रसार या संकुचन समान है, इस बात की लड़ाई नहीं है कि प्रसार है या संकुचन है, कुछ भी हो लेकिन समान होना चाहिए। अगर x सेम है, एक्सटेंशन या कंप्रेशन सेम है, तो फिर स्प्रिंग्स को पैरेलल में मानना है। इस बात की लड़ाई नहीं है कि एक में प्रसार हुआ, एक में ये संकुचन हुआ, एक में कंप्रेशन हुआ, एक में एक्सटेंशन हुआ, कोई बात नहीं, x सेम होना चाहिए। अगर x सेम है तो उसको आज से कहना है अपने को पैरेलल या समांतर क्रम। अगर इसमें कुछ डाउट है तो स्प्रिंग का फॉर्मूला है m = kx। बताओ अभी हम क्या सीख रहे हैं, हम k निकालना सीख रहे हैं ना, k निकालना सीख रहे हैं, तो k पे तो कोई कंडीशन है नहीं, तो या तो f सेम हो सकता है, और या तो क्या सेम हो सकता है, x सेम हो सकता है। जब x सेम हो जाए उसको बोलना भैया पैरेलल या समांतर, और f सेम हो जाएगा उसी को बोलना है सीरीज या श्रेणी क्रम, और k तो निकालना ही है तुम्हें, ठीक है। तो यहाँ पे ये तीन चीज़ें हैं, तीन में से एक चीज़ मेरे को निकालनी है k, और एक तुमने कंडीशन दे दे दी, तो मेरे पास तीसरी चीज़ आ जाएगी। तो वही कर रहे हैं अपन, और कुछ नहीं कर रहे हैं। k मेरे को निकालना है, तुमने एक बार x सेम कर दिया, एक बार f सेम कर दिया, इसलिए आएंगी वैल्यूज मेरे पास। याद रखना है समांतर क्रम में x सेम होगा, और श्रेणी क्रम में बल
सेम होगा वो याद रखना है। तो यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये चित्र तो बनाया हुआ है, इसके नीचे पहले एक लाइन लिख लेना आप कि यदि सभी स्प्रिंगों में प्रसार या संकुचन समान है, यदि सभी स्प्रिंगों में प्रसार या संकुचन समान है, इफ एक्सटेंशन और कंप्रेशन इज सेम इन ईच स्प्रिंग, यदि सभी स्प्रिंगों में प्रसार या संकुचन समान है तब यह समांतर क्रम में मानी जाएंगी, तब यह समांतर क्रम में मानी जाएंगी। इफ एक्सपेंशन और कंप्रेशन इज सेम इन ईच स्प्रिंग देन दे आर इन पैरेलल, देन दे आर इन पैरेलल। तो ये अपने को दिख रहा है यहाँ पे, और इससे अपन वैल्यूज जो है ना वो निकाल सकते हैं कि किस तरीके से मान आने वाला है इसका। तो कोई भी क्वेश्चन अपन करें पैरेलल का, कोई भी क्वेश्चन आप करो उसमें आंसर निकाल लेना, एक्स तो सेम है ही, जरा बल की बात बता दो मेरे को, और बल के लिए याद रखना कैसे कैसे कहा जाएगा। तो इसी चित्र में ना एक और कलर का इस्तेमाल कर लेते हैं, हरा कलर। जरा बल एफ की वैल्यू बताना, वापस से बताइए, मैंने इसको खींचा है आगे, इस पे कितना बल लगेगा, कितना फोर्स लगेगा वो बता देना मेरे को। इसको आगे खींचूंगा मैं तो ऊपर वाली स्प्रिंग भी पीछे बल लगाएगी, पीछे फोर्स लगाएगी, क्योंकि वो आगे खींच गई, और नीचे वाली स्प्रिंग भी किधर फोर्स लगाएगी, पीछे फोर्स लगाएगी, ठीक है। तो क्या इस द्रव्यमान पर लगने वाला बल वो समान दिशा में ही लगेगा बच्चों? तो अभी लाइट गई हुई है, कुछ देर बाद इस लाइव क्लास को अपन कंटिन्यू करते हैं। तो बच्चों तो अभी थोड़ी सी लाइव क्लास बीच में रुक गई थी, वो कुछ कारण हो गया था इसलिए, तो अपन जो है ना वहीं से कंटिन्यू करते हैं, और रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा आपको पूरा एक साथ, तो उसमें भी आप लोग देख लेना। तो अपन कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग या स्प्रिंग के संयोजक देख रहे थे, इसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन इसमें अपन देख रहे थे, समांतर क्रम में जब स्प्रिंग होंगी तो समांतर क्रम में या पैरेलल कॉम्बिनेशन में स्प्रिंग अगर वो होंगी तो वो इस तरीके से दिखेंगी अपने को, ये K1 होगा, ये K2 होगा। तो ये जो भी व्यवधान आया था इससे पहले आपको बता दिया था कि समांतर क्रम में या पैरेलल में इस द्रव्यमान को अगर आप x खींचोगे आगे तो ये स्प्रिंग भी x आगे खींच जाएगी, ये स्प्रिंग भी x आगे खींच जाएगी। याद करना है समांतर क्रम में पैरेलल में हर स्प्रिंग में प्रसार या संकुचन, एक्सपेंशन या कंप्रेशन हर एक स्प्रिंग में क्या होगा, सेम होगा। और द्रव्यमान पे लगने वाला बल सभी स्प्रिंगों पे लगने वाले बल के योगफल के बराबर होगा। जो मास पे टोटल फोर्स लग रहा होगा ना, दैट विल बी एडिशन ऑफ ऑल द फोर्सेस, जो भी स्प्रिंग सारी स्प्रिंग फोर्स लगाएंगी। जैसे आप बताओ मेरे को, इस मास को हमने आगे खींचा होता, इस द्रव्यमान को हमने आगे खींचा होता, बताइए ये वाली स्प्रिंग भी फोर्स किधर लगा रही होती, पीछे की तरफ कुछ फोर्स लगाया होता मान लीजिए F1, ये स्प्रिंग भी किधर फोर्स लगा रही होती, पीछे की तरफ कितना F2। तो कुल मिला के स्प्रिंग ने द्रव्यमान पे कितना बल लगाया होता, F1 प्लस F2। यानी समांतर क्रम या पैरेलल कॉम्बिनेशन स्प्रिंग का दो तरीके से आपको पता करना पड़ेगा। आपकी पैकेज में सवाल है, आपके पैकेज में बोलेगा कि जो भी स्प्रिंगों ने बल लगाया सारे बल को जोड़ दो, वही द्रव्यमान पे कुल बल था। जो भी स्प्रिंग ने फोर्स लगाया सारे फोर्सेस को ऐड कर दीजिए, वही मास पे लगने वाला टोटल फोर्स है। इसका मतलब वो कहना चाहता है कि स्प्रिंग कैसी है, पैरेलल है या समांतर क्रम है। या तो सीधे बोल देगा एक्स सेम है, या तो बोल देगा लगने वाला टोटल फोर्स, लगने वाला कुल बल किसके बराबर है, सभी स्प्रिंगों के बल, सभी स्प्रिंगों के फोर्स को जोड़ दो उसके बराबर है। ये निकाय ये पैरेलल ही है, और ये ऐसा निकाय आपको दिख जाए, ऐसा सिस्टम आपको दिख जाए, ये भी पैरेलल ही मानना है, ये भी आपको समांतर क्रम में ही मानना है। क्यों मानना है वो अभी देख लेंगे अपन। मान लीजिए ये सिस्टम होता, ये निकाय होता, तो ये भी समांतर क्रम या पैरेलल में ही मानोगे। आप दोनों तरीकों से चेक कर लो, पहले x सेम होना चाहिए। अगर इस मास को आप, इस द्रव्यमान को आपने x इधर धक्का दिया होता तो ये स्प्रिंग भी x आगे खींच गई होती, और ये स्प्रिंग x दब गई होती। खींचना और दबना, एक्सटेंशन और कंप्रेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, x सेम होना चाहिए वो इंपॉर्टेंट है। बल बताइए, फोर्स बताइए, अगर आपने इस मास को इधर धक्का दिया है तो बताइए ये स्प्रिंग खींच गई आगे,
तो इस स्प्रिंग ने किधर फोर्स लगाया होगा, इधर फोर्स लगाया होगा, और ये स्प्रिंग बेचारी दब गई अंदर, तो ये भी किधर फोर्स लगाएगी, ये भी बाहर फोर्स लगाएगी। तो क्या दोनों फोर्स जुड़ रहे हैं, इसीलिए ये समांतर क्रम में है, ये पैरेलल में है। तो याद करना है, समांतर क्रम में या पैरेलल में अगर स्प्रिंग होती है तो टोटल फोर्स या कुल बल द्रव्यमान पे, मास पे, वो जुड़ जाता है। यहीं से डेरिवेशन आ जाएगा, लाइन अपन बाद में लिख लेंगे। डेरिवेशन करने के लिए कुल बल बराबर F1 प्लस F2, टोटल फोर्स इक्वल्स टू F1 प्लस F2। अगर समांतर क्रम, अगर पैरेलल में स्प्रिंग जोड़ी जाती है तो लगने वाला टोटल फोर्स किसके बराबर होगा, F1 प्लस F2। F की वैल्यू kx होती है, लिख दो, F की वैल्यू k1x, F2 k2x, और ये F टोटल k टोटल इंटू x, सारा x कैंसिल हो गया, ये एक फॉर्मूला बन गया, k टोटल बराबर k1 प्लस k2। तो श्रेणी क्रम या सीरीज कॉम्बिनेशन इससे पहले पढ़ा ही दिया था आपको, अगर आप लेट ज्वाइन कर रहे हो तो रिकॉर्डेड लेक्चर जब अपलोड होगा उसमें देख लेना आप, और बाकी ये जो भी कंडीशंस बताई जा रही हैं इनको याद कर लेना, क्योंकि हो सकता है इनडायरेक्टली आपसे वो दिमाग लगवाए कि आपसे पता लगवाए कि स्प्रिंग पैरेलल में है, समांतर क्रम में है कि नहीं है, तो इसलिए ये तो फॉर्मूला याद रखना ही है अपने को। और फॉर्मूला याद करने के बाद पॉइंट लिख लेना आप इसमें, अगर स्प्रिंग पैरेलल में है तो एक पॉइंट तो लिखवाया दिया था आपको कि एक्स दोनों का क्या होना चाहिए था, सेम होना चाहिए था, बराबर होना चाहिए था। एक आप पॉइंट और लिख लो, यदि द्रव्यमान पर आरोपित कुल बल इफ टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन मास, यदि द्रव्यमान पर आरोपित कुल बल प्रत्येक स्प्रिंग के बल के योगफल के समान है, प्रत्येक स्प्रिंग के बल के योगफल के समान है, तब यह स्प्रिंग समांतर क्रम में मानी जाएगी, तब यह स्प्रिंग समांतर क्रम में मानी जाएंगी। इफ टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन मास is same as sum of individual forces on spring, is same as sum of individual forces of spring, then springs are in parallel combination, then springs are in parallel combination, then springs are in parallel combination। और इसको मतलब आप शॉर्ट ट्रिक वॉर्ट ट्रिक तो इसमें बना ही सकते हो, बाकी कुछ लिखवा देता हूँ थोड़े बहुत पॉइंट्स। तो अभी ये सीख लिया हमने F बराबर kx, ये तो स्प्रिंग का फॉर्मूला होता है, स्प्रिंग फोर्स स्प्रिंग बल का फॉर्मूला होता है, माइनस भी आता है, वो दिशा डायरेक्शन के कारण आता है, उसे भूलो एक बार। अगर लगने वाला बल F सेम है, समझ रहे हो क्या, सभी स्प्रिंग पर, जितनी भी स्प्रिंग है सारी स्प्रिंग पे अगर लगने वाला फोर्स सेम है, तो वो सारी स्प्रिंग आपको किस में माननी है, सीरीज में माननी है, श्रेणी क्रम में माननी है। और उस स्थिति में K की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो K की फॉर्मूला बताया था, K1 K2 upon K1 plus K2, दो के लिए ये है, बाकी ज़्यादा हो जाए तो 1 by K1 1 by K2 1 by K3। अगर X सेम है, अगर x सेम है तो स्प्रिंग किस में आ जाएगी, पैरेलल में आ जाएगी, समांतर क्रम में आ जाएगी, और उस अवस्था में k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, K1 plus K2 plus K3। ये भी याद रखेंगे, अगर x सेम दिखेगा तो आपको जरूर वहां पे जब x सेम दिखेगा या पैरेलल का केस होगा, वहीं पर आपको जो नेट फोर्स दिखेगा, कुल बल दिखेगा, वो किसके बराबर दिखेगा, सभी स्प्रिंगों के बल के योगफल के बराबर, सारी स्प्रिंग के फोर्सेस को जोड़ दोगे तो नेट फोर्स भी दिख जाएगा। तो ये आप अगर याद है तो इससे पहले जो भी कुछ समझाया हुआ है ना वो समझ में आ गया होगा। तो ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला पहले ही पता ही है आपको, वर्क पावर एनर्जी के समय से पढ़ा दिया हुआ है, कौन बराबर होगा, क्या आंसर आएगा उसको देख लेना। चलिए, तो जो प्रीवियस क्लास थी SHM की, उसमें हमें
स्प्रिंग द्रव्यमान निकाय, स्प्रिंग मास सिस्टम का एक फॉर्मूला आया था 2√m/k, उसमें m के साथ आप चेंज कर सकते हो, जो द्रव्यमान जो मास दोलन गति करेगा ऑसिलेशन करेगा वही वहां पे m आना चाहिए। k को कैसे कैसे चेंज कर सकते हो उसके बहुत सारे तरीके हैं, और एक तरीका है आप स्प्रिंग को काट सकते हो, वो हमने सीख लिया है। दूसरा और तरीका है जो हम अब सीखने वाले हैं, आप प्रश्न लिख लो, सब क्वेश्चन लिख लो, और क्वेश्चन में आप लिखिए फाइंड टाइम पीरियड ऑफ फॉलोइंग सिस्टम, प्रदर्शित निकाय के आवर्तकाल ज्ञात करें, फाइंड टाइम पीरियड ऑफ फॉलोइंग सिस्टम, प्रदर्शित निकाय के आवर्तकाल ज्ञात करें, प्रदर्शित निकाय के आवर्तकाल ज्ञात करें, प्रदर्शित निकाय के आवर्तकाल ज्ञात करें। ये एक निकाय दिया हुआ है, ये एक सिस्टम दिया हुआ है, और इसमें अलग अलग तरीके से पहले पहले सवाल कर रहे हैं, तो ये जो K1 और K2 दिख रहा है, ये K1 और K2 आप बोल देना पैरेलल में है, समांतर क्रम में है। कोई बोले कैसे पैरेलल में है, कैसे समांतर क्रम में है, तो अगर आप यहाँ से खींचोगे ना, इस बिंदु से अगर इसको नीचे खींचते तो इसमें भी प्रसार या एक्सटेंशन x होता, इसमें भी प्रसार या एक्सटेंशन क्या होता x होता, दोनों में x सेम है तो ये पैरेलल है, ये समांतर क्रम है। और पैरेलल या समांतर क्रम अगर हुआ तो फिर इसमें k का मान अपने पास डायरेक्टली आ जाएगा, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, k की वैल्यू आ जाएगी K1+K2। तो कुल मिला के यहाँ पे दो स्प्रिंग बनाने की जरूरत नहीं है, इस निकाय को, इस सिस्टम को आप वापस से बना सकते थे, ये निकाय ये सिस्टम कुछ ऐसा बन जाता, ये सिस्टम ये निकाय बन जाता कुछ ऐसा, यहाँ पे एक स्प्रिंग है, यहाँ पे एक स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है K3 और ये स्प्रिंग कितने की है K1+K2 की, ये समांतर क्रम है, तो ये K1+K2। अब ये दोनों स्प्रिंग ये श्रेणी क्रम में है, सीरीज में है, एक ही स्ट्रेट लाइन एक ही सरल रेखा में है और इनके बीच में कुछ नहीं है, और अगर ये स्ट्रेट लाइन में है तो फिर के टोटल का फॉर्मूला होता था K1 K2 अपॉन K1+K2, K1 की जगह K1+K2 है ना, तो K1 K2 अपॉन K1+K2 ऐसा कुछ आ जाएगा। तो ये इसको K1 मान लेना, इसको K2 मान लेना, गुणा कर देना, भाग दे देना, ये K का मान है, तो यहाँ से आवर्तकाल, यहाँ से टाइम पीरियड बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हो, आवर्तकाल या टाइम पीरियड हो जाएगा 2π√m/k total, और K total का ये मान है, ये मान यहाँ पे रख सकते हो, वैल्यूज आ जाएंगी। चलो इसी में इसी सवाल को अपन और चेंज कर देते हैं, इसमें आप दूसरा सवाल, दूसरा निकाय बना लीजिए, सेम निकाय है, सेम सिस्टम है, ये के मान लो, ये के मान लो, और इसका हमें आवर्तकाल, इसका भी हमें टाइम पीरियड निकालना है, तो ये सिस्टम और इससे पहले वाला सिस्टम सेम ही था, बस इससे पहले वाले में ये मास, ये द्रव्यमान नीचे लटक रहा था, अभी ये मास इनके बीच में आ गया है। अगर ये मास, ये द्रव्यमान इनके बीच में आ गया है, इस मास को, इस द्रव्यमान को मान लो आप अगर नीचे खींचते, बताइए इस मास को अगर अपन नीचे खींचते तो ये वाली स्प्रिंग एक्स दब जाती, इसको अगर नीचे धक्का देते तो ये वाली स्प्रिंग एक्स दब जाती, ये वाली स्प्रिंग एक्स खींच जाती, ये वाली स्प्रिंग भी एक्स खींच जाती, ये दोनों स्प्रिंग में एक्स एक्सटेंशन होता और इसमें एक्स कंप्रेशन होता, क्या एक्स सेम है, इसका मतलब सब पैरेलल में है, ये सब समांतर क्रम में है, ये सब पैरेलल में है, याद रखना है x सेम तो पैरेलल, पैरेलल में तो k टोटल किसके बराबर आ जाता था, जोड़ना पड़ेगा K1+K2+K3, तो K3 के आ जाएगा, तो टाइम पीरियड आवर्तकाल 2π√m/k, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3k आ जाएगी। तो जो भी क्वेश्चंस कर रहे हैं
इनको देख लेना, फॉर्मूले में कुछ खास बात है नहीं। सीरीज और पैरेलल अगर है तो निकाल लेना। स्प्रिंग के अपन, स्प्रिंग ऐसा टॉपिक है जो फिजिक्स में अलग अलग चैप्टर्स में है। स्प्रिंग का बल, स्प्रिंग की ऊर्जा, स्प्रिंग का फोर्स और एनर्जी, वो वर्क पावर एनर्जी में सीखा था। हाफ के एक्स स्क्वायर है ना, एफ स्क्वायर बाई टू के, के एक्स बाई टू, ऐसे कुछ फॉर्मूले आए थे एफ स्क्वायर बाई टू के। तो ये सब फॉर्मूले और एफ बराबर के एक्स पहले सीखा हुआ है। स्प्रिंग को काटा है तो एस एच एम के पिछले लेक्चर में देख लेना स्प्रिंग को काटने पर क्या होता है। स्प्रिंग को श्रेणी क्रम समांतर क्रम में जोड़ोगे तो क्या होगा, वो अपन यहाँ पे देख ही रहे। तुम और सवाल लिखो इसी के आगे। मान लीजिए इसमें आप एक आसान सवाल और कर लो, उसके बाद थोड़ा और ज्ञान दे देंगे। तो ये आप एक और निकाय, एक और सिस्टम बना लीजिए के टू के थ्री के। ये सिस्टम, ये निकाय दिया हुआ है, बहुत ही आसान सा निकाय, बहुत ही आसान सा सवाल, अगर समझा हुआ होगा तब। तो बताओ इसमें अगर द्रव्यमान या मास को आप आगे धक्का देते हो x, तो ये भी x एक्सटेंशन हो जाएगा, प्रसार हो जाएगा, ये भी x एक्सटेंशन हो जाएगा, प्रसार हो जाएगा, और ये x संकुचन हो जाएगा या कंप्रेशन हो जाएगा। फिर से सब में x सेम है, फिर से ये सब किस में आ जाएगा, पैरेलल में या समांतर क्रम में। तो k टोटल वो समांतर क्रम या पैरेलल में होता था, सारे k को जोड़ दीजिए, ऐड कर दीजिए, तो k प्लस टू के प्लस थ्री के, यानी आंसर कितना आ जाएगा, 6k। तो इस निकाय में, इस सिस्टम में k की वैल्यू 6k है। आवर्तकाल या टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 2π रूट एम बाय के। के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6k आ जाएगी, तो वो याद रखना है। अब धीरे धीरे अपन चेंज करते चलते हैं। फॉर्मूला है 2π रूट एम बाय के, उसके जितने भी सवाल है ना वो आज अपन कंप्लीट कर लेते हैं कि क्या क्या सवाल हैं, कैसे इनको आप देख सकते हो। इसी में चौथा सवाल बनाइए, और चौथे सवाल में स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, किसी ज़माने में RPMT में आया था। तो इस बार ये अपने को रबड़ बैंड दी हुई है ना। रबड़ बैंड में भी स्प्रिंग जैसे कुछ गुणधर्म होते हैं, तो ये इस बार ये जो दो रस्सियां नहीं हैं, इनको और इसको, इसको अपने को क्या मानना है, ये है रबड़ बैंड। ये रबड़ बैंड है, द्रव्यमान m है, मास m है, और रबड़ बैंड द्रव्यमान m, मास m के साथ जुड़ा हुआ है। इसका भी आवर्तकाल टाइम पीरियड चाहिए हमें। तो रबड़ बैंड और स्प्रिंग में एक अंतर होता है, स्प्रिंग दोनों तरफ बल लगाती है। स्प्रिंग को आप संकुचन कर दोगे, कंप्रेशन कर दोगे, तब भी वो फोर्स लगाएगी। स्प्रिंग को खींच लोगे, प्रसार कर दोगे, एक्सटेंशन कर दोगे, तब भी फोर्स लगाएगी। लेकिन रबड़ बैंड ना वो केवल एक ही तरफ फोर्स लगाती है, जब वो प्रसारित होगी, जब रबड़ बैंड एक्सटेंशन होएगा तब वो क्या करेगी, फोर्स लगाएगी। मान लीजिए रबड़ बैंड को आपने कम कर दी उसकी लंबाई, उसको आपने धक्का दे दिया, उसको संकुचित कर दिया, तो रबड़ बैंड कोई फोर्स कोई बल नहीं लगाती है। रबड़ बैंड केवल कब बल लगाती है, जब वो टाइट हो जाती है। टाइट हो जाएगी तो छोड़ने पे वापस क्या हो जाएगी, ओरिजिनल स्टेट में या प्राकृतिक अवस्था में आ जाएगी। तो हो क्या रहा है यहाँ पे, आप ये सोचो कि के नहीं, स्प्रिंग कौन सी काम कर रही है ना। ये अगर स्प्रिंग है तो कौन सी काम कर रही है, अगर आप इस द्रव्यमान को इधर धक्का देते एक्स, बताओ इस मास को अगर इधर धक्का एक्स दिया होता, तो ये वाली रबड़ बैंड तो खिंच गई होती, ये खिंच गई होती, ये फोर्स किधर लगाती, इधर। लेकिन ये रबड़ बैंड उस वक्त कोई काम नहीं कर रही होती, क्योंकि ये तो ढीली हो गई होती, किसी काम की नहीं रह गई। और यही काम अगर तुम इसको धक्का दे देते, मान लीजिए इसको एक्स धक्का इधर देते, अगर इस द्रव्यमान को एक्स इधर खींचते, तो ये वाली रबड़ बैंड टाइट हो गई होती, तो ये बल, ये फोर्स इधर लगाती, लेकिन ये वाली रबड़ बैंड ढीली हो गई होती, ये फोर्स नहीं लगाती। तो यहाँ पे समझ में आना चाहिए, एक समय पर केवल एक ही स्प्रिंग काम कर रही है। अगर इसे स्प्रिंग भी मानो, तो ये ऐसी स्प्रिंग है जो दोनों कभी एक साथ काम कर ही नहीं रही, दोनों कभी एक साथ फोर्स लगा ही नहीं रही। तो कुल मिला के किसी एक क्षण पर कोई एक रबड़ बैंड ही कार्य करेगा, लिख लेना इसके आगे, किसी भी क्षण पर केवल एक ही रबड़ बैंड कार्य करेगा, किसी भी क्षण पर केवल एक ही रबड़ बैंड कार्य करेगा। एट एनी इंस्टेंस ओनली वन रबड़ बैंड विल वर्क, वन
रबर बैंड विल वर्क, और क्योंकि केवल एक ही रबर बैंड हमेशा काम करेगा तो टी का फॉर्मूला आएगा 2 पाई रूट एम बाई के बराबर। काम ही नहीं कर रही सारी स्प्रिंग है, ठीक है। तो ये ऐसा निकाय है, ऐसा सिस्टम है जिसमें एक समय में एक ही रबर बैंड, एक समय में केवल एक ही रबर बैंड काम करेगा, इसलिए आवर्तकाल या टाइम पीरियड इसका निकाल लेना आप, वो आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2 पाई रूट एम बाई के आएगा। अब यहीं पे आवर्तकाल या टाइम पीरियड ही निकाल रहे हैं, लेकिन बहुत सारे अलग अलग तरीके के सवाल हैं, तो उन्हें सीखते चलना कि क्या क्या सवाल है, कैसे कैसे क्वेश्चन अपने को सॉल्व करने हैं। तो फिफ्थ एक और क्वेश्चन आप बनाइए, वही सेम क्वेश्चन है, आवर्तकाल चाहिए हमें, टाइम पीरियड चाहिए हमें, इस तरीके से ये मान लीजिए आपको एक सिस्टम दिया हुआ है, और अपने को निकाय का, अपने को सिस्टम का आवर्तकाल, निकाय का आवर्तकाल, सिस्टम का टाइम पीरियड वो निकालना है कि, ठीक है ना, सेम क्वेश्चन है, टाइम पीरियड ऑफ सिस्टम वो पूछा हुआ है। तो देखिए कोई भी सवाल करेंगे तो जो मैं यहाँ तरीका बता रहा हूँ वही तरीका अगले सवाल में भी लगाना, ऐसे 3 क्वेश्चन मिलेंगे आपको स्टैंडर्ड, है ना। चाहो तो उनके आंसर याद भी कर सकते हो, बट समझ लो थोड़ा बहुत तभी चलेगा। बताइए शुरुआत में ये कहीं गति नहीं कर रहा होगा, शुरुआत में ये कोई मोशन नहीं कर रहा होगा, नीचे mg लग रहा होगा और स्प्रिंग ने भी ऊपर थोड़ा कोई फोर्स लगाया होगा कि x दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। शुरुआत में तो कोई फोर्स वोर्स लग जाए। अब हम इसे क्या करते हैं, हम इसे x विस्थापित करते हैं। हमने इसे x नीचे खींचा और छोड़ दिया, और नीचे खींच कर छोड़ने पर ये क्या करने लग जाएगा, दोलन गति, कंपन गति, ऑसिलेशन करने लग जाएगा। बताओ जब आपने इसे x खींचा तो इस पर लगने वाला नेट फोर्स, इस पर लगने वाला कुल बल, वो kx आएगा, वो भी माइनस लगा सकते हो। माइनस क्यों लगा सकते हो, क्योंकि खींचा नीचे है और बल या फोर्स किधर लगेगा, ऊपर। जो भी x के साथ दिखे वही सारे कष्टों का अंत है। यही से t का मान कितना लिख सकते हो, 2 पाई रूट एम बाय के। एम वो मास, वो द्रव्यमान जो दोलन गति कर रहा है, एम वो मास जो ऑसिलेशन कर रहा है, तो एम ही ऑसिलेशन कर रहा था, एम की जगह एम आ गया। और के क्या होता है, जो एक्स के साथ आए उसको के बोलने का, है ना। और कोई पूछे ऐसा कैसे लिख दिया, तो मैंने तरीका बताया है, एफ को एम ए लिखना चाहिए था वैसे, यहाँ से एफ को एम ए लिखते, है ना, बताया हुआ है एम ए बराबर माइनस के एक्स, और ए को क्या लिख देते, माइनस के बाय एम इंटू एक्स। फिर तुलना करते, कंपेरिजन करते कि ए होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, और ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आती, के बाय एम, यही आवर्तकाल टाइम पीरियड आता। बट ये सब नहीं करना है, आप कुल बल निकालिए, जो निकाय दिखे, जो भी सिस्टम दिखे उसको थोड़ा सा हल्का सा आप छेड़िए, और छेड़ने के बाद वो आपको गति करता हुआ दिखेगा, और जैसे भी गति कर रहा हो आप उस पर कुल बल निकालिए, टोटल फोर्स निकालिए। टोटल फोर्स एक्स के पदों में आना चाहिए, टोटल फोर्स इन टर्म्स ऑफ एक्स आएगा, तभी तो ऐसे जमोएगा, और जो एक्स के साथ है वो के है, उससे आंसर आ जाएगा। जैसे इसी में अपन और ज्ञान विज्ञान की बातें करते हैं, तो अगला क्वेश्चन जो है 6th क्वेश्चन, इसमें मान लीजिए इस तरीके से आपको ये निकाय, ये सिस्टम दिया हुआ है, इसमें भी आवर्तकाल टाइम पीरियड, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम, आवर्तकाल निकालना है। सेम क्वेश्चन है जो लिखवाया हुआ है, 6th क्वेश्चन, आवर्तकाल या टाइम पीरियड इसका चाहिए अपने को। तो आवर्तकाल या टाइम पीरियड अगर इसका चाहिए, तो बताइए शुरुआत में ये मास, शुरुआत में ये द्रव्यमान नहीं चल रहा होगा, अपने को करना क्या है, जो भी मास दिखे, जो भी द्रव्यमान दिखे उसको हल्का सा विस्थापित कीजिए, हल्का सा डिस्प्लेस कीजिए, और अगर वो दोलन गति करे, अगर वो ऑसिलेशन करे, तो फिर अपने दिमाग से पता लगाओ कि उस पर प्रत्यानयन बल, रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अगर प्रत्यानयन बल और रीस्टोरिंग फोर्स दिखा, तब आप बोलना एफ बराबर माइनस कुछ नियत राशि, कुछ कॉन्स्टेंट इंटू एक्स, और वो जो नियत है वो के है, तो आंसर आ जाएगा। तो अपने को करना क्या है, अपना लक्ष्य क्या है, अपन वापस से इसको एक्स धक्का दे देते नीचे, वही अपना लक्ष्य क्या है, इसको एक्स धक्का देने पर इस पर लगने वाला फोर्स बता दो कितना है, तो आंसर आ जाएगा, इस पर लगने वाला बल कितना है। तो आप अपना कॉमन सेंस से बता दीजिए, वरना मैं कुछ याद भी करवा दूंगा आपको। आप ये बताओ मेरे को, इसको अगर मैंने एक्स खींचा है तो ये वाला बिंदु कितना नीचे आएगा, ये रस्सी तो है,
तो अगर इस द्रव्यमान को, इस मास को x नीचे खींचाए तो ये पॉइंट भी कितना नीचे आएगा, x ही नीचे आएगा, ये पूरी रस्सी है सर, x नीचे आ जाएगा। अब ये x नीचे आया तो ये वाली रस्सी भी x नीचे आ जाएगी और ये वाली रस्सी भी x नीचे आ जाएगी। तभी तो गिर, ऐसे नहीं हो सकते घिरनी या पुली, वो ऐसे दोनों रस्सियां समान होंगी बीचों बीच रहेगी, ऐसे नहीं हो सकती। इसमें ऐसा नहीं है कि आधी रस्सी इधर हो और ऐसे ज़्यादा रस्सी इधर हो, ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पे तुम कोई भी मान लीजिए ऐसा होता ही है और यहाँ पे तुमने किसी भी द्रव्यमान को छोड़ा तो अपने आप वो कहाँ पे आ जाएगा, बीचों बीच आ जाएगा। अपने आप वो द्रव्यमान, वो मास कहाँ पे आ जाएगा, बीचों बीच आ जाएगा। तो आपको समझ में आना चाहिए, और मान लो नहीं भी आ रहा हो तो मेरे पास एक शॉर्ट ट्रिक भी, वैसे तो बाद में बताएंगे। पहले इस मास को, इस द्रव्यमान को एक्स नीचे खींचा अपन ने, तो ये बिंदु, ये पॉइंट भी कितना नीचे आया, एक्स नीचे आया। तो ये रस्सी की लंबाई भी कितनी बड़ी, एक्स। ये रस्सी की लंबाई भी कितनी बड़ी, x बड़ी। तो आप ये बताइए कि ये रस्सी है, ठीक है, इसकी लंबाई कभी बढ़ नहीं सकती है, इसकी लंबाई तो सेम ही रहेगी। लेकिन ये जो पूरा निकाय था ना, ये जो पूरी सिस्टम था, इस पूरे सिस्टम की लंबाई ना 2x बढ़नी चाहिए। मतलब मेरे को ये बोलना चाहिए, ये जो स्प्रिंग है ना, इसमें 2x एक्सटेंशन आएगा, इसमें 2x प्रसार आएगा। क्यों बोल रहा हूँ मैं इसमें 2x प्रसार आएगा, क्योंकि 2x प्रसार आएगा तो x तो इधर रह जाएगा और x इधर चला जाएगा, तब जाके ये घिरनी कितनी नीचे आ पाएगी, x नीचे। इस पुली को x नीचे क्यों आना है, क्योंकि हमने इसे x खींचा है, तो ये तो x नीचे आएगा ही आएगा। अब ये x नीचे आएगा, ऐसे मान लीजिए दो हाथ हैं, इनके बीच में कोई मास है, ठीक है। अब वो द्रव्यमान को तुम x नीचे खींच रहे हो, तो यहाँ पे भी x लंबाई बढ़नी चाहिए और यहाँ पर भी x लंबाई बढ़नी चाहिए, लेकिन इस हाथ की लंबाई नहीं बढ़ सकती, है ना, ऐसा मान लीजिए। तो इसी हाथ की लंबाई को अब 2x बढ़ना पड़ेगा, 2x में से x तो इधर चली जाएगी और वो x किधर आ जाएगी, इधर। तो स्प्रिंग की लंबाई कितनी बढ़ी है, 2x बढ़ी है। मान लीजिए ये आपको नहीं भी समझ में आता, क्योंकि इसके बाद तो आंसर आ जाएगा, खैर। तो अपन ना कुछ सिंपल सा एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं भाई, आप ऐसे याद भी कर सकते हो, घिरनी या पुली में आप ऐसे याद कर लेना, ये निकाय है, ये सिस्टम है। देखिए ये एक ही रस्सी होती है, ये वाली जो रस्सी है ना, थोड़ा अलग कलर से बना लेता हूँ। तो ये रस्सी जो होती है ना, ये एक ही रस्सी होती है, ये वाली रस्सी, ये एक ही रस्सी है, समझ रहे हैं, ये एक ही रस्सी है। तो ये बताइए मेरे को, अगर मैं इस रस्सी को, अगर मैं इस रस्सी को एक्स नीचे लाता, है ना, तो ये वाला पॉइंट कितना नीचे आता, एक्स नीचे आता, तो ये वाला पॉइंट भी कितना नीचे जाता, एक्स, और ये वाला पॉइंट भी कितना नीचे जाता, एक्स। अगर इसी पॉइंट को तुम एक्स ऊपर ले जाते, है ना, दूसरे चित्र में, अगर ये वाला पॉइंट एक्स ऊपर चला जाता तो इस रस्सी का भी ये वाला बिंदु कितना ऊपर चला जाता, एक्स, और इस रस्सी का भी ये वाला बिंदु कितना ऊपर चला जाता, x। तो आप ये समझिए, यहाँ पे दो ही रस्सियाँ हैं कुल मिला के, एक रस्सी तो ये रही और एक रस्सी ये रही, और इसमें जो कुछ होगा, इसमें जो कुछ हुआ उसका दुगना इसमें होगा। अगर इस रस्सी को तुमने x खींचा ऊपर, तो ये रस्सी कुल मिला के कितना ऊपर जाएगी, 2x। अब वो x ये वाला हिस्सा ऊपर जाएगा और x ये वाला हिस्सा, ऐसे तराजू है मान लीजिए, और तराजू को ऊपर ले गया तो दोनों हाथे भी किधर जाएंगे, ऊपर ही जाएंगे। लेकिन कुल मिला के ये दोनों जो है ना, ये जुड़े हुए हैं आपस में, ये दोनों आपस में कितना हुए हैं, जुड़े हुए हैं। तो ये जो रस्सी होती है ना, ये वाली रस्सी हमेशा दुगना दिखाएगी आपको, और ये वाली रस्सी सिंगल दिखाएगी। इसका मतलब आज से मैं ऐसा कुछ याद कर लूँगा, अगर बिल्कुल ही समझ में नहीं आया तो आज से ये रही घिरनी, ये रही पुली, ये रही एक रस्सी जिससे आपने इसे पकड़ रखा है, और ये रही एक और रस्सी अलग से, और याद करेंगे आज से, इसमें जो कुछ होगा, इसमें अगर x है तो इस ये हरी वाली पूरी रस्सी में क्या होगा, 2x होगा। अब वो ये x है, ये 2x है, कुछ भी हो सकता है। अगर ये x प्रसार है, मान लीजिए x ऊपर ले गए, तो फिर ये दोनों रस्सियां कुल मिलाकर कितना ऊपर जाएंगी, 2x। कुल मिलाकर 2x गई, मतलब ये भी x ऊपर जाएगी और ये भी कितना ऊपर जाएगी, x। तो ये दो दिख रहे हैं, इसको 2x बोल देना, ये सिंगल दिख रहा है, इसको क्या बोल देना, x बोल देना, ताकि आपको कुछ दिमाग ना लगाना पड़े। तो ये सिंपली याद कर लेना आप, ये सिंगल रस्सी x ऊपर जाएगी तो ये दोनों रस्सियां भी x x ऊपर जाएंगी कुल मिला के, क्योंकि एक ही रस्सी है। कुल मिला के कितना ऊपर जाएगी, 2x ऊपर जाएगी। तो अगले सवाल में और क्लियर हो जाएगा। तो कुल मिलाकर हम वापस से इसी सवाल पे आते हैं। बताओ मेरे को, अभी मैंने याद करवाया हुआ है, ये घिरनी, ये पुली, ये एक रस्सी,
अगर ये एक रस्सी x चलती है तो ये दो दो रस्सियां कुल मिला के कितना चलेंगी, 2x चलेंगी। अब कुछ दिमाग नहीं लगाना है, ये एक रस्सी कितना चली x, तो ये दो रस्सियां कितनी चलेंगी, x और x यानी कुल 2x चलेंगी। ये नहीं चल सकती तो कौन चलेगी, ये स्प्रिंग ही चलेगी, और स्प्रिंग कितना चलने वाली है, 2x चलने वाली है। तो आप ऐसे सोच लो, अब ये अगर स्प्रिंग 2x चली तो स्प्रिंग का बल कितना होगा, स्प्रिंग का फोर्स होता था kx, k इंटू प्रसार या एक्सटेंशन। तो स्प्रिंग का फोर्स कितना लग गया, k इंटू 2x लग गया। इसका मतलब मैं वापस से एक बार चित्र और बना देता हूँ, इसको बहुत ज़्यादा गंदी नहीं करते अपन चित्र को। बताइए वापस से अगर ये निकाय बनाएं अपन, तो ये इस तरीके का निकाय था, इस तरीके का ये सिस्टम दिया हुआ है आपको। और बता दीजिए मेरे को, देखिए ये एक ही सिस्टम है, पुली और घिरनी में बताया था ना आपको, एक रस्सी, और ये निकाय कैसा होगा वो भी देख लेना आप, वरना बाद में आप पूछोगे। ये क्या है, ये एक तांबे का तार है, ये एक तांबे का तार ऐसा आया, तांबे का तार कॉपर वायर है, ये तांबे का तार कॉपर वायर, तांबे का तार या कॉपर वायर इधर आया, तांबे का तार कॉपर वायर इधर आया, फिर उसी तांबे के तार या कॉपर वायर को ऐसे घुमा दिया अपन ने। तो ये एक ही तार है, एक ही तार के हर बिंदु पर टेंशन या तनाव क्या होती है, सेम होती है। और क्योंकि टेंशन या तनाव यहां पर K2x है, तो यहां पर भी कितनी माननी पड़ेगी, K2x माननी पड़ेगी। अगर ये K2x और ये K2x है, तो यहां पर टेंशन या तनाव आपको बताया था, ये T होता है, ये T होता है, तो ये 2T हो जाता है। तो यहां पर ये आ जाएगा K4x, और आपने इसको खींचा था नीचे, तो इस पे यही बल F लगेगा ऊपर, मतलब कि कुल मिलाकर इस पे बल कितना लगेगा, 4kx, वो भी किधर लगेगा, ऊपर लगेगा। आपको x के साथ क्या दिखेगा, 4k, और अगर x के साथ 4k दिख रहा है तो सुंदर आवर्तकाल, शानदार टाइम पीरियड, 2π रूट m अपॉन 4k, 2π रूट एम बाय 4k आ जाएगा। याद रखना है स्प्रिंग या घिरनी में, एक और सवाल ऐसा करेंगे उसमें भी देख लेना, ये भी मैं वापस से भी समझा दूंगा अभी। तो याद करना है अपने को, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी सवाल अगर वो आपसे पूछा जा रहा है, तो उसमें स्प्रिंग नियतांक या स्प्रिंग कांस्टेंट ऐसे निकाल सकते हो। वापस से बोल देता हूँ, वापस से इसको मैं एक बार सॉल्व कर देता हूँ, सेम क्वेश्चन एक बार देख लेना, कोई डाउट हो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बता देना। यही सिक्स्थ क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहे हैं अपन, ये सिक्स्थ सवाल दिया हुआ था इसमें, इस सिक्स्थ सवाल में ना अगर कुछ डाउट है तो मैं एक लास्ट बार और बता देता हूँ। देखिए ये इस तरीके से आपको कुछ निकाय, कुछ सिस्टम दिया हुआ था, ठीक है ना, और अपने को इसका आवर्तकाल, इसका टाइम पीरियड बताना है। तो अपने को करना क्या है, जो भी कोई आवर्तकाल या टाइम पीरियड पूछे, इसको x खींच दो नीचे। अगर इसको x नीचे खींचोगे तो ये एक रस्सी है, ये एक रस्सी कितना चली x, तो ये भी x चलेगी, ये भी x चलेगी। ऐसा मानो हर रस्सी x चल रही है, लेकिन ये ना एक ही रस्सी बोलता हूँ मैं इसे, तो याद रखना ये अकेली रस्सी x चलती है, तो ये वाली पूरी रस्सी जो है ये कितना चलेगी, 2x चलेगी। और ये तो रस्सी है, ये तो अपनी लंबाई बढ़ा नहीं सकती है, तो स्प्रिंग की लंबाई कितनी बढ़ गई, 2x। तो एक्सटेंशन या प्रसार भगवान के लिए याद करना है, इस सवाल में 2x है, फिर आ जाएगा आंसर। अगर प्रसार 2x है तो बल कितना लगा, K × 2x, इधर भी कितना लगा, K2x, तो इधर कितना लगा, K4x लगा, x के साथ 4k लिखा हुआ है, यही बल यही फोर्स लग रहा है हम पे, आंसर आ जाएगा। आप इसी क्वेश्चन को सेवन्थ क्वेश्चन बना लो, जो भी कुछ सीखा हुआ है अप्लाई कर दो। सेवन्थ क्वेश्चन में वापस से ये एक निकाय आपको दिया हुआ है, सेवन्थ क्वेश्चन में स्प्रिंग है, स्प्रिंग नियतांक, स्प्रिंग कांस्टेंट के दिया हुआ है, और द्रव्यमान या मास एम है, अपने को आवर्तकाल, अपने को इसमें बताना है आवर्तकाल या टाइम पीरियड। तो
द्रव्यमान या मास को एक्स चलना पड़ेगा। अगर द्रव्यमान या मास एक्स चले तो देखो उसके साथ एक्स के साथ क्या लिखा हुआ है। अगर तुम बोलते हो कि द्रव्यमान या मास 2x चला तो 2x के साथ जो लिखा होगा वो k होगा। आपन मानते हैं कि मास कितना चला x, तो x के साथ जो भी संख्या है उसे k मानना पड़ेगा। बताइए इधर फटाफट, ये बताओ मेरे को तो अभी सिखाया गया है, ये एक रस्सी है और ये दो अलग अलग रस्सियां हैं। अगर ये रस्सी x खींचती है, मतलब अगर ये x नीचे आता है तो ये पूरी रस्सी भी 2x नीचे आएगी, 2x नीचे आनी चाहिए। अब ये तो x नीचे आ नहीं सकता है, ये तो बता हुआ है, तो हो ना हो इसी को कितना नीचे आना पड़ेगा, 2x नीचे आना पड़ेगा। समझ रहे हो गया, इसे कितना नीचे आना पड़ेगा, 2x। अब वो याद कर लो, कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ये निकाय है, ये बता दिया, ये सिस्टम है इस तरीके से, ये भी x, ये भी x, ये भी x। लेकिन अब ये एक ही रस्सियां हैं तो बोलने में ऐसे बोल सकते हो कि ये संपूर्ण रस्सी कितना चलती है, 2x, जबकि ये अकेले कितना चलती है, x चलती है। ठीक है, तो अपने को क्या है, अपने को द्रव्यमान को 2x नहीं चलाना है, अपने को द्रव्यमान या मास को x ही चलाना है। तो मान लो कि ये इसको भी अगर तुम 2 से डिवाइड कर देते, इसको भी कितने से डिवाइड कर देते, 2 से। ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मास या द्रव्यमान कितना चले, x ही चले। कहने का मतलब क्या होता, अगर ये नीचे आता x बाई टू तो ये दोनों कितना नीचे आते, x बाई टू का दुगना, x बाई टू का दुगना मतलब x नीचे आते। तो बता दीजिए जब ये x नीचे आया तो स्प्रिंग को कितना खींचना पड़ा, x बाई टू, तो स्प्रिंग का फोर्स कितना होता है, स्प्रिंग का फोर्स होता है k इंटू एक्स, एक्स है x बाई टू, और ये जितना भी फोर्स है तो इधर फोर्स कितना लगना पड़ेगा, के एक्स बाई फोर, इधर भी फोर्स कितना आ जाएगा, के एक्स बाई फोर। तभी तो के एक्स बाई फोर, के एक्स बाई फोर मिलके ही तो के एक्स बाई टू बनाएगा, टी और टी टू डी। तो क्या एक्स के साथ के बाई फोर दिख रहा है, एक्स के साथ इस बार क्या दिख रहा है, के बाई फोर। तो टी का आंसर कितना आ जाएगा, टू पाई रूट एम बाय के बाय फोर, फोर ऊपर आ जाएगा, फोर आ जाएगा ऊपर। अपने नीट में नहीं आते ऐसे सवाल, ये केवल आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए हैं, स्प्रिंग आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी और घिरनी या पुली के सवाल हो जाएंगे आपसे मुश्किल से मुश्किल। याद रखना है अपने को, और वापस से सुंदर चित्र बना के वापस से मैं समझा देता हूँ आपको, ये 7th क्वेश्चन में अगर आपको कुछ भी डाउट है तो वापस से समझा देता हूँ मैं। ऐसा कुछ निकाय शायद ये दिया हुआ था, ऐसा कुछ सिस्टम था और इस सिस्टम का आवर्तकाल या टाइम पीरियड पूछा हुआ था। आपन ने मान लिया, आपन ने माना स्प्रिंग कितना नीचे आई, x बाई टू, तो ये रस्सी अगर x बाई टू नीचे आई तो ये भी x बाई टू नीचे आना चाहिए, ये भी x बाई टू नीचे आना चाहिए, तराजू ऐसे, तो तराजू नीचे आएगा तो दोनों हिस्से भी किधर नीचे आएंगे। अब लेकिन आना है, अगर ये x नीचे आया है तो कुल मिला के ये 2x नीचे आएंगे, इसको नीचे आने की इजाज़त है नहीं। तो अगर ये x बाई टू आया, इसे x बाई टू नीचे आना था, ये आया नहीं, तो ये x बाई टू यानी कुल कितना नीचे आ जाएगा, x नीचे आ जाएगा। और ये फोर्स या बल वो के एक्स होता था, तो इस पर फोर्स कितना लगेगा, के एक्स बाई टू, के गुणा प्रसार या एक्सटेंशन, और ये जितना भी उसका आधा आधा इधर लग जाएगा, के एक्स बाई फोर इधर, के एक्स बाई फोर इधर। आधा आधा क्यों लगेगा, वो बताया हुआ है आपको कि ये टी होता है, ये टी होता है, तो टू टी होता है। तो इस पर लगने वाला फोर्स, इस पर लगने वाला बल, क्योंकि ये एक्स चल रहा है तो एक्स के साथ जो भी कुछ लिखा हुआ है वो इसका के है, वो है के बाय फोर, आंसर आ जाएगा 2 पाई रूट एम बटे में के बाय फोर आंसर आ जाएगा। अपन आवर्तकाल निकाल रहे हैं, टाइम पीरियड निकाल रहे हैं, स्प्रिंग मास, स्प्रिंग द्रव्यमान के लिए जितने सवाल बन सकते हैं। 7वां सवाल था ये, 8वां सवाल कर लीजिए। मतलब फॉर्मूला था हमारे पास 2 पाई रूट एम बाय के, उसमें के साथ क्या क्या हो सकता है, के को काट सकते हो, के समांतर क्रम हो सकता है ना, मतलब पैरेलल हो सकता है, सीरीज हो सकता है, श्रेणी क्रम हो सकता है, या फिर ऐसा कुछ निकाय आ सकता है, और या फिर इसके आगे सेम कंसेप्ट आप एक बार और लगा दो और एक और सेम क्वेश्चन आप बता दीजिए। ये द्रव्यमान m, ये मास m आपको दिया हुआ है, आवर्तकाल या टाइम पीरियड आपको इस निकाय का
आवर्तकाल या टाइम पीरियड इस निकाय का, इस सिस्टम का आपको फाइंड आउट करना है, इस निकाय या इस सिस्टम का क्या टाइम पीरियड होगा, क्या आवर्तकाल होगा, वो अपने को बताना है। और कंसेप्ट एक ही है, द्रव्यमान या मास को एक्स खींचिए और एक्स खींचने पर उस पर लगने वाला फोर्स, उस पर लगने वाला बल, उससे आंसर आ जाएगा। मानिए, आप ऐसा मानिए कि ये जो मास है ना, इस द्रव्यमान को मैंने एक्स इधर धक्का दे दिया, मान लीजिए, तो इसे एक्स इधर धक्का दे दिया ऐसे। अगर इस द्रव्यमान को मैंने एक्स ऊपर धक्का दिया, इस पे लगने वाला सारा फोर्स, सारा बल, वो बता दीजिए। पहले ये बताइए, अगर मैंने इसको एक्स इधर धक्का दिया है, तो एक्स का इधर घटक, एक्स का इधर कंपोनेंट आएगा एक्स कॉस 45 या एक्स बाय रूट 2, और एक्स का इधर भी घटक आएगा, इधर भी कंपोनेंट आएगा एक्स साइन 45 या एक्स बाय रूट 2। ठीक है, इसका मतलब आप सामने वाले को समझा सकते हो कि जब हमने स्प्रिंग को x ऊपर धक्का दिया, तो स्प्रिंग इधर कितना गई, x बाय रूट 2, और स्प्रिंग इधर भी कितना गई, x बाय रूट 2, कुल मिला के स्प्रिंग कितना गई, x है। ये सब आप बोल सकते हो। अब आप इसमें द्रव्यमान m या मास m पे लगने वाले सारे फोर्सेस, सारे बल, वो बता दीजिए मेरे को। चलिए बोलना चालू कीजिए, ये है मास m, और बताइए अगर इस मास m को हमने इधर धक्का दिया, तो इस स्प्रिंग को क्या लगेगा, इस स्प्रिंग को लगेगा कि मैं x दब गई, तो ये स्प्रिंग किधर फोर्स लगाएगी, इधर फोर्स लगाएगी, है ना, ये स्प्रिंग ऐसे दबी है तो स्प्रिंग फोर्स इधर लगाएगी, और इधर कितना फोर्स लगाएगी, k, और जितना दबी हुई है या खींची हुई है, एक्सटेंशन या कंप्रेशन x था। चलिए इस स्प्रिंग की कहानी खत्म। इस स्प्रिंग को क्या लगेगा, इस स्प्रिंग को लगेगा कि मेरे को किसी ने आगे खींच लिया, क्योंकि जब आपने इसको x इधर धक्का दिया, तो ये द्रव्यमान, ये मास आगे गया, कितना आगे गया, x बाय रूट 2, इस स्प्रिंग को लगा कि मेरे को आगे खींच लिया, तो ये स्प्रिंग किधर धक्का लगाएगी, पीछे धक्का लगाएगी, तो ये स्प्रिंग इधर धक्का लगाएगी, और इधर कितना धक्का लगाएगी, k इंटू इसको कितना खींचा गया है, ज़्यादा नहीं खींचने का, x बाय रूट 2, तो ये x बाय रूट 2 इधर, x बाय रूट 2 इधर आ जाएगा। इसकी कहानी खत्म। इस स्प्रिंग को क्या लगेगा, इस स्प्रिंग को लगेगा कि मुझे ऊपर खींचा गया है, कितना, x बाय रूट 2, तो ये भी नीचे बल लगाएगी, नीचे फोर्स लगाएगी, कितना नीचे फोर्स लगाएगी, k इंटू एक्स बाय रूट 2, ये इतना फोर्स नीचे लगा देगी। तो याद करना है अपने को, ये मास m था, ये द्रव्यमान m था, इसको x इधर धक्का दिया अपन ने, है ना, तो इस स्प्रिंग ने धक्का दे दिया इस तरफ, और इस स्प्रिंग को आगे खींचा, तो ये पीछे धक्का, इसको ऊपर खींचा, ये नीचे आ गया। सदिश लगा दो, वेक्टर लगा दो, आंसर आ जाएगा, कुछ खास बात है नहीं। बोलो इसका ये बल है, बल वेक्टर है, है ना, फोर्स वेक्टर है, तो द्रव्यमान m पे ये तो क्या लग रहा है, kx लग रहा है, ये तो kx लग ही रहा है। बोलिए ये kx बाय रूट 2 और ये kx बाय रूट 2, ये तो लंबवत है, तो परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर होने पर f और f, f रूट 2 देता है, है ना, तो इन दोनों का रिजल्टेंट बीच में आएगा, जितना भी था उसको रूट 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये kx बाय रूट 2, kx बाय रूट 2, रूट 2 से और मल्टीप्लाई हो गया, रूट 2 रूट 2 कैंसिल, kx और kx, कुल मिला के ये द्रव्यमान m है, मास m है, और इसको ऐसा लगेगा कि मुझे इस ओर धक्का दिया जा रहा है, कितना, 2x। बताइए शुरुआत में क्या हुआ था, हमने इस मास को, अगर एक ही स्क्रीन पे सब दिख रहा हो, हमने इस मास को, हमने इस द्रव्यमान को x खींचा इधर, ठीक है, और कुल मिलाकर इस पे जो बल आया, फोर्स आया, kx और kx कितना आया, कुल फोर्स, कुल बल 2kx, है ना, ये kx और kx मिल गया, कितना हो जाएगा, 2kx। तो ये बताओ, आपने x धक्का दिया इधर, लेकिन द्रव्यमान या मास किधर गया, विपरीत दिशा में, तो फिर फोर्स या बल आपको कितना लिखना चाहिए, माइनस 2kx। जब हमने स्प्रिंग को धक्का दिया x, तो उस पर विपरीत दिशा में, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स कितना आ रहा है, 2kx, तो x के साथ इस बार क्या है, 2k है, तो बस x के साथ अगर 2k है, तो t आ जाएगा 2π रूट m बाय 2k, 2π रूट m बाय 2k आ जाएगा। तो याद करना है, जनरल तरीका है, ये यहाँ पे जो स्प्रिंग थी ना, ये ना तो श्रेणी क्रम में थी, ना समांतर क्रम में थी, ये स्प्रिंग दिया हुआ था,
निकाय दिया हुआ था, इसमें अपन ने एक्स इधर खींचा और थोड़ा बहुत ज्ञान लगाया तो हमें पता लगा कि जब द्रव्यमान या मास को खींचा गया है एक्स ऊपर तो इस पर लगने वाला टोटल फोर्स कुल बल नीचे आ रहा है, विपरीत दिशा में, अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। बस वहां से एक्स के साथ जो भी कुछ लिखा हुआ है, एक्स के साथ 2k लिखा हुआ है, तो टाइम पीरियड या आवर्तकाल आ जाएगा 2π रूट एम और बटे में 2k आ जाएगा। तो आवर्तकाल या टाइम पीरियड के जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे ना स्प्रिंग के, वो बता दिए हैं तुम्हें। इसके अलावा स्प्रिंग के 2 स्टैंडर्ड क्वेश्चंस और हैं, है ना, तो वो भी कर ही लेते हैं। आप एक क्वेश्चन लिखो पहले इसके आगे, प्रश्न में आप क्वेश्चन में ये लिखो कि प्रश्न या क्वेश्चन क्या लिख रहे हो, निकाय बना लो, चित्र बना लो, ताकि जल्दी जल्दी सवाल आप कर पाओ। ये निकाय बनाइए, ये सिस्टम बनाइए, ये सब सवाल है, ये मास m है, k1 स्प्रिंग है, इसका टाइम पीरियड का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, आवर्तकाल या टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है, t1 दिया हुआ है, और k2 ये m, इसका टाइम पीरियड या इसका आवर्तकाल कितना मानना है, t2। ये सब सवाल ने दिया हुआ है, क्वेश्चन ने दिया हुआ है, और इन दो चित्रों के बाद सवाल ने एक ये चित्र दिया हुआ है, इस तरीके का एक चित्र बनाया हुआ है, K1 K2, तो ये श्रेणी क्रम में या सीरीज में दिख रहे होंगे आपको, इसका आवर्तकाल कितना होगा ये पूछा हुआ है। दो सवाल है इसमें, पहले सवाल, दूसरा सवाल, इन्हीं दोनों स्प्रिंगों को समांतर क्रम में या पैरेलल में लगा दिया है, ये K1 है, ये K2 है, तो पैरेलल में आवर्तकाल या समांतर क्रम में आवर्तकाल कितना होगा, ये सवाल दिया हुआ है, है ना। शब्दों में इंग्लिश या हिंदी में वो बोलेगा K1 स्प्रिंग के साथ आवर्तकाल या टाइम पीरियड T1 है, K2 के साथ आवर्तकाल या टाइम पीरियड T2 है। तो अब K1 और K2 को श्रेणी क्रम में या सीरीज में लगा दिया या समांतर क्रम पैरेलल में लगा दिया, अब नया आवर्तकाल नया टाइम पीरियड बताना है, जो आंसर आएगा तुम लोगों को वो याद भी करना है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो आंसर निकालने चलते हैं, ठीक है ना, क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, अपने को आंसर चाहिए श्रेणी क्रम समांतर क्रम में सीरीज और पैरेलल में आंसर चाहिए T1 T2 के पदों में इन टर्म्स ऑफ T1 एंड T2। चलिए आंसर लिखना चालू करते हैं अपन और साथ में लिखते चलिए आंसर। बताइए, हमें एक निकाय, हमें एक सिस्टम दिया हुआ था और हमें निकाय या सिस्टम इस तरीके का दिया हुआ था, बताइए इसका आवर्तकाल, इसका टाइम पीरियड T1 दिया हुआ था, तो T1 का फॉर्मूला कितना होता है, 2π रूट एम बाई के की जगह K1 आ जाएगा। ऐसा दूसरा निकाय, दूसरा सिस्टम भी दिया हुआ था और इसका आवर्तकाल, इसका टाइम पीरियड T2 कितना आ जाएगा, 2π रूट एम बाई K2। तो ये दो निकाय, ये दो सिस्टम दिए हुए हैं अपने को और इनसे बनने वाला जो फॉर्मूला था हमारे पास वो आ गया। पहला सवाल श्रेणी क्रम का था, पहला सवाल सीरीज कॉम्बिनेशन का था, तो बताइए हमने वापस से सीरीज या श्रेणी क्रम में ये निकाय, ये सिस्टम बना लिया, बताइए इसका आवर्तकाल, इसका टाइम पीरियड कितना आना चाहिए था, 2π रूट एम बाय के, और के को मैं के टोटल लिख लेता हूँ, चलिए, लेकिन मेरे को के टोटल पता है कितना होता था, 1 बाय के टोटल कितना होता था, 1 बाय k1 प्लस 1 बाय k2, ये तो बताया था कि सीरीज में या श्रेणी क्रम में 1 बाय k टोटल कितना होता है, 1 बाय k1 प्लस 1 बाय k2, ठीक है। तुम वो भी लिख सकते थे k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2, लेकिन k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2 इसलिए नहीं लिख रहा मैं क्योंकि k1 k2 को आपस में मिलाओ मत, इसलिए मत मिलाओ क्योंकि तुम्हारे पास जो t1 t2 है ना, इसमें k1 k2 अलग अलग है, तो मैथ्स तुम सॉल्व करोगे, आंसर t1 t2 में लाने हैं ना, तो k1 k2 कहीं भी मिला हुआ नहीं है, इसलिए k1 को अलग रखो, k2 को अलग रखो, ये आपकी समझदारी है उस वक्त की। तो वो फॉर्मूला लगाओ जिसमें k1 k2 गुणा भाग नहीं हो, मल्टीप्लाई नहीं हो, k1 अलग रहे, k2 अलग रहे, इसलिए मैं यहाँ पे इस तरीके से लिख रहा हूँ, k1 अलग k2 अलग, ठीक है। तो कितना आ जाएगा टी की वैल्यू, बोलिए टी की वैल्यू आ जाएगी 2π रूट एम, और ये 1 बाय k टोटल को लिख सकते थे 1 बाय k1 प्लस 1 बाय k2 और 1 बाय k2,
ये टी का आंसर आ रहा है, यहाँ पे टी वन टी टू लाना है अपने को, स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, दोनों तरफ वर्ग ले लीजिए, दोनों तरफ स्क्वायर कर लीजिए। बोलिए टी स्क्वायर कितना बन रहा है, टू पाई का स्क्वायर कितना हो जाएगा, फोर पाई स्क्वायर, रूट गया तो एम आ गया, एक बार नीचे के वन और एक बार नीचे कितना है के टू, स्क्वायर कर दिया हमने। ये जो आपको राशि दिखेगी ये टी वन स्क्वायर ही दिखेगा आपको, अगर आप देखें ये टी वन का मान लिखा हुआ है तो टी वन स्क्वायर बताइए यहाँ से टी वन स्क्वायर कितना हो जाएगा, टी वन स्क्वायर फोर पाई स्क्वायर एम बाई के वन, और टी टू का स्क्वायर अगर निकालते तो वो कितना हो जाता, फोर पाई स्क्वायर एम बाई के टू। तो टी वन स्क्वायर कितना है, फोर पाई स्क्वायर एम बाई के वन, ये कितना है फोर पाई स्क्वायर एम बाई के टू। जो अपने पास समीकरण आया था क्या था, वो फोर पाई स्क्वायर एम बाई के वन ही है, ये टी वन स्क्वायर ही है। तो टी स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, टी वन स्क्वायर प्लस टी टू स्क्वायर के बराबर। याद करना है ये फॉर्मूला, ये कब लगाना है फॉर्मूला, जब एक स्प्रिंग का टाइम पीरियड टी वन है, आवर्तकाल टी वन है, दूसरी स्प्रिंग का टाइम पीरियड या आवर्तकाल टी टू है, उन दोनों को एक साथ जोड़ दिया तो नया आवर्तकाल नया टाइम पीरियड टी होगा, उसकी वैल्यू आएगी टी वन स्क्वायर प्लस टी टू स्क्वायर। इनडायरेक्टली पूछेगा तुमसे, हमने दो स्प्रिंगों को ऐसे जोड़ा कि दोनों का लगने वाला बल ही कुल बल है, ऐसे स्प्रिंगों को जोड़ा कि दोनों के फोर्स का एडिशन ही टोटल फोर्स है, मतलब वो खुद बोल रहा है कि सीरीज है या पैरेलल है, कौन सा था पैरेलल होता था, पैरेलल जब दोनों का बल, तो वो पैरेलल मानना पड़ेगा आपको, तो वो कंडीशन याद कर लेना आप। तो अभी तो ये सीरीज वाली कंडीशन है, ऐसे ही सेम अपने पास एक और सवाल था, ये हमारे पास के वन है, ये के टू है, ये द्रव्यमान, ये मास एम है, इसका टाइम पीरियड, इसका आवर्तकाल भी चाहिए। बोलिए इसका टाइम पीरियड कितना आएगा, टू पाई रूट एम बाय, पैरेलल में या समांतर क्रम में क्या होता था, के वन प्लस के टू होता था, टू पाई रूट एम बाय के वन के टू। हमें यहाँ पे टी वन टी टू बनाना है कुल मिला के, और टी वन में केवल के वन आया था, टी टू में केवल के टू आया था, कुल मिला के वन के टू को अलग करो यहाँ से, ताकि K1 जहाँ पे दिखेगा वहाँ पे T1 बन जाएगा, जहाँ पे K2 दिखेगा वहाँ पे T2 दिखेगा। अलग करने के लिए पहले तो रूट कर लो, तो रूट करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 पाई स्क्वायर M अपॉन K1 प्लस K2, ये तो हमने स्क्वायर कर लिया। अब ये बटे में जो राशि है, डिनोमिनेटर में जो क्वांटिटी है, ये तो अलग हो नहीं सकती, तो इसको ऊपर ले आओ तभी तो अलग कर पाओगे। इसलिए आप क्या करो, इसका रेसिप्रोकल ले लो, 1 बाई टी स्क्वायर, वो कितना हो जाएगा K1 प्लस K2, और बटे में कितना है 4 पाई स्क्वायर एम, 4 पाई स्क्वायर एम। और ध्यान से देखोगे ना, ये 1 बाई टी वन स्क्वायर है, क्योंकि T1 स्क्वायर अभी बताया था कुछ देर पहले, T1 स्क्वायर कितना था 4 पाई स्क्वायर एम बाई के वन, तो ये 1 बाई टी वन स्क्वायर है। कुल मिला के क्या आ गया, ये कुल मिला के ये आ गया 1 बाई टी स्क्वायर बराबर 1 बाई टी वन स्क्वायर प्लस 1 बाई टी टू स्क्वायर, 1 बाई टी वन स्क्वायर प्लस 1 बाई टी टू स्क्वायर, जिसको आप लिख क्या सकते हो, t की पावर माइनस टू बराबर t1 की पावर माइनस टू t2 की पावर माइनस टू। तो मेरे को दोनों फॉर्मूले ऐसे ही याद हैं, आप ऐसे ही याद रखना, या तो t की पावर 2 आएगी या तो माइनस टू आएगी। 2 कब आएगी, श्रेणी क्रम में, सीरीज में, समांतर क्रम या पैरेलल में कितनी आएगी, माइनस टू। याद रखना प्रत्येक स्प्रिंग, अलग अलग स्प्रिंग का आवर्तकाल, अलग अलग स्प्रिंग का टाइम पीरियड कितना है, t1 t2 है, उनको एक साथ श्रेणी में एक साथ सीरीज में जोड़ दिया तो यहाँ पे प्लस टू लिख देना, और समांतर में जोड़ दिया तो वो माइनस टू आ जाएगा। जरूरी नहीं है दो स्प्रिंग हो, दस स्प्रिंग होती तब भी यही चलता रहता, टी वन की पावर माइनस टू, टी टू की पावर माइनस टू, टी थ्री की पावर माइनस टू, ये चलता रहेगा। स्प्रिंग द्रव्यमान निकाय, स्प्रिंग मास सिस्टम के ये सवाल है। एक सवाल और स्टैंडर्ड बनता है वैसे, बट वो आज नहीं करेंगे, स्प्रिंग मास सिस्टम के है वो शीट में सवाल भी है, वो करेंगे अपन, आखिरी सवाल करेंगे तो कल और परसों की क्लास उसमें ये एसएचएम लगभग हो जाएगा आपके समाप्त। तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।